आज के टाइम में देखा जाए तो पशुओं को ना काफ़ी अच्छा पशुधन माना जाता है, पशु रखते हैं तो कोई, लेकिन दूध की बात की जाए दूध बिक्री के भाव काफ़ी नीचे आ चुके हैं। मतलब लोगों का जो डेयरी फार्म चलाते हैं उनको गुजारा नहीं होता, काम नहीं चलता है। लेकिन अगर अच्छे पशु रखे जाएँ और दूध सेल का अगर सीधा डायरेक्ट सेल होता है, जिसका दूध का रेट 60-70 रुपये किलो निकल जाता है, 80 रुपये किलो निकल जाता है, तो उसको ठीक ठाक मार्जिन हो जाता है। एक बंदा अपने आप को उसके अंदर एम्प्लॉयड कर सकता है। आज मैं एक डेयरी फार्म पे पहुंचा हूँ, डेयरी फार्म भी इसको नहीं कहेंगे, घर में ही एक भाई ने संभाल रखे हैं सारे ये पशु रखे हुए हैं। इसके साथ में एक बुलों का शौक है, ये अच्छा खासा आपको झोटा दिखाई दे रहा है, जिसकी उम्र लगभग 3.5 साल के आसपास है, और इसको बिक्री करने का भाई का प्लान है, क्योंकि इसका रख रखाव करना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसका सारा मैं रिकॉर्ड दिखाऊंगा, क्या रिकॉर्ड रहा है इसका। अर्जुन की सीमेन इसके अंदर लगाया गया था, जिसकी माँ सामने ही खड़ी हुई है, जिसका 22 लीटर दूध का रिकॉर्ड रहा है। तो उस भाई से मिलते हैं, पूरी जानकारी इसके बारे में देते हैं भाई, कितना क्या कुछ खुराक खिलाते हैं इसको और कितने में बिक्री कर देंगे। क्योंकि एक डेयरी फार्म में कई बार सीमेन के अलावा भी एक बुल को रखा जाता है, ताकि अच्छे से पशुओं को केयर किया जा सके, परिणत करवाया जा सके, क्योंकि कई पशु उसको मानते नहीं है सीमेन को। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम करण यादव है। ये करण मेरे सामने भाई, करण भाई ने इतना तगड़ा लंबा तगड़ा झोटा रखा हुआ है, इसके ब्रीड के बारे में जानेंगे। मेरे हाथ में स्ट्रा है, देखो ये, और स्ट्रा मैं दिखाना चाहूँगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी 14 मई 2017 की है। तो भाई कितनी उम्र हो चुकी है इसकी? 3.5 साल। 3.5 साल हो चुकी है। तो भाई किस शौक में आपने पाला था ये? बस ऐसे ही शौक बन गए। अच्छा, तो ये देखो जी, मैं इस भाई के पास ही मैंने सीमन की स्ट्रा दिखाई है, और इसके साथ में इसकी माँ खड़ी हुई है। इसकी माँ है। पहले इसकी माँ को देखते हैं। ये देखो, डरती आदमी है। कितना दूध का रिकॉर्ड रहा इसका भाई? इसका 22 लीटर दूध। 22 लीटर का है। और कौन सी बार डिलीवरी करेगी भैया? अब ये चौथी बार डिलीवरी करेगी। चौथी बार डिलीवरी करेगी। तो इसका 22 लीटर का रिकॉर्ड आपने दूध करवाया भी है? हाँ, गांव के प्रतियोगिता में किया था इसका। गांव में? वैसे ही कंपटीशन में, छोटा मोटे कंपटीशन होते रहते ना। हाँ, उनके अंदर। अच्छा, गांव में कंपटीशन। गांव में। हाँ। मतलब इसका 22 लीटर दूध का रिकॉर्ड रहा है। हाँ, तो इसके और बच्चे भी हैं आपके पास में? हाँ, इसकी एक फीमेल है। अच्छा, ये रही, ये इसकी फीमेल का? इसकी फीमेल है। अच्छा, ये कौन सा सीमेन रहा था भाई? ये सरकारी सरकारी सिमन है। सरकारी सिमन लगाया लगवा दिया मतलब ये। ठीक है, ये देखो जी, सबसे पहले माँ का मैं दिखाना चाहूँगा। कौन से महीने में डिलीवरी होगी इसकी? सर जनवरी में। जनवरी में होगी। मैं इसको दिखाना चाहूँगा भाई पीछे से, कि जिसका सीमन की क्वालिटी जो देखते हैं ना, इसका सीमन जो आएगा उस हिसाब से देखेंगे। तो इसके पीछे के देखो, टेस्टिकल के साइज़ के हिसाब से आप देखेंगे तो काफ़ी इसका साइज़ जो बड़ा है, ये देखो इसकी हाइट लेंथ देखेंगे तो काफ़ी अच्छी हाइट लेंथ है भाई। इसका मेजरमेंट भी आपके पास में, कितना लंबा, किसकी कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी लगभग 5-7 समथिंग हाइट होगी। 5-7? 5 फुट 7 इंच, देख लो ना, मेरी 5-8 है। अच्छा, आपकी 5-8 है? हाँ, मेरी 5-8 है, आप देख लो। ये देखो, नीचे भी है इसकी, काफ़ी ऊंची हाइट है भाई। और लंबाई देखे तो लंबाई भी आपने मेजरमेंट कर रखा है? नहीं, लंबाई नहीं है अभी भाई, लंबाई का माप नहीं है। काफ़ी अच्छा लंबाई चौड़ाई है भाई इसका। आपने इसका सीमेन भी बनवाया है? नहीं सर, सीमेन नहीं बनवाया? नहीं बनवाया। अच्छा, तो आपने सीमेन के लिए रखा था फिर, या कि कॉम्पिटिशन के लिए? सर ये हमने कॉम्पिटिशन के लिए किया था। अच्छा, चार दो। तो किसी कॉम्पिटिशन लेके भी गए? हाँ, लेके गए थे भिवानी। अच्छा, फिर क्या पोजिशन आई भिवानी में? चार दांत, दो दांत, 6 दांत, सबको मिक्स कर दिया था। अच्छा, मिक्स कर दिया था? मिक्स कर दिया था। इसलिए ये, इसलिए इसका कोई कोई नंबर आया नहीं, मतलब इसका कोई नंबर नहीं आया। अच्छा जी, ये देखो जी, इसका 4 हेड देखेंगे तो काफ़ी चौड़ा ही भाई इसकी, ये देखो। और सिंगों का साइज़ बिल्कुल काफ़ी राउंड में है, जो उसकी माँ के थोड़ा साइज़ बड़ा है, लेकिन इसके साइज़ काफ़ी छोटा है, ये देखो। तो भाई क्या डाइट रखी आप, क्या खिलाते पिलाते इसको? सर नॉर्मली डाइट है। अच्छा, चाट दूध भी दे देते हैं, जो भैंस भी आती है उसकी किल्ली वगैरह, दूध वगैरह जो हम 15 दिन 10 दिन यूज़ नहीं करते। हाँ, वो इसको दे देते हैं, पी लेता है। अच्छा, वो पिला देते हो? हाँ। अच्छा, तो इसका आपने कुछ और कुछ एक्स्ट्रा घी वगैरह भी देते हो ऐसे कुछ? हाँ, थोड़ा बहुत इसको दे देते हैं। कितना? तेल भी देते हैं। तेल भी देते हो? तेल भी देते हैं सर, सूखा तेल। अच्छा, ठीक है। तो भाई इसका मैं बिक्री का प्राइस पूछना चाहूँगा, तो कितना प्राइस रखा आपने? 4.5 लाख रुपये। 4.5 लाख रुपये। तो इसके बेचने के पीछे क्या रीजन है? आपने कंपटीशन में रखा था ये। हाँ जी। तो क्या रीजन है इसके बेचने के पीछे? सर इसका कोई रीजन नहीं है, बट अब इसकी हम केयरिंग नहीं कर सकते। अच्छा, मेन चीज़ तो ये है, क्योंकि हम लोग दो भाई हैं, बाहर रहते हैं।
हाँ। पापा से एक दमल दे नहीं है, मतलब की केयरिंग नहीं कर पाते हैं पापा जी। अच्छा अच्छा, आप पूरा मेंटेन हो नहीं पाता क्योंकि इनके पास पूरा मेंटेन काफी हो गए हैं। पहले से इनके पास काफी पशु हैं, आप देखेंगे ये तीन तो भैंसे होगी, एक छोटी गाय भी होगी है, और ये बाकी बच्चे हो गए हैं, और कुत्ते को भाई का बड़ा शौक है। हाँ जी, मुझे बुली डॉग का बड़ा पसंद है। कुत्तों को मतलब उसके पास समझो कि पूरा एक आदमी के रखना चाहिए उसके संभालने के लिए। हाँ जी ठीक है, तो भाई कॉन्टेक्ट नंबर कितने बता दो आपके? 9350-17-20-45। ठीक है, और गांव कौन सा आपका? मंदोला, जिला रेवाड़ी। जिला रेवाड़ी में भाई का मंदोला गांव। भाई किसी भाई को ये चाहिए तो ये आराम से डेयरी पर्पज में रखा जा सकता है, उसके बाद इसका कंपटीशन में जा सकता है, काफ़ी इसकी अच्छी हाइट लेंथ है, और इसका रिकॉर्ड की बात की जाए रिकॉर्ड भाई के पास ऑलरेडी रखा हुआ है इसका, और माँ भी इसके पास में, इसकी डिलीवरी जनवरी में होने वाली है, तो दूध रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हैं, 22 लीटर दूध है, इसके बाद हाइट लेंथ, क्योंकि नॉर्मली कोई भी ऐसे बुल तैयार करते हैं वैसे करते नहीं है, जिनका कुछ रिकॉर्ड होता है उसी को किया जाता है, तो इसीलिए इतना ज़्यादा खर्चा लगा इसको तैयार किया गया है। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच आपका। थैंक यू सर।